नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइस के क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले जो लूसेंट की बुक का एक टॉपिक है, रीजनिंग की बुक का डाइस, उसका एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस है वो लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पर है, यदि तीन ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक हो। तो ये जो आपको डाइस दिख रहा है, ये जो है एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। हमें कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? क्योंकि देखो, इसमें जो फेजेस है जो कि विजिबल है, उनमें किन्हीं भी दो फेजेस के जो अंक है उनका जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर ऐड कर कर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 और 3 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर किन्हीं भी दो एडजेसेंट जो फेजेस है इनके अंकों का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। तो 7 नहीं आ रहा है मतलब ये जो है एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको बताना है 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट सिंपली क्या हो जाएगा इसमें? 4। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है इनमें जो अपोजिट फेजेस होती है इनके जो अंक होते हैं इनका जो सम होता है वो 7 के इक्वल होता है। तो यहाँ 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 4, तभी तो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। आपको यहाँ पर बताना है 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यही पहचान करना होगा कि जो दिया गया डाइस है वो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो डाइस है नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर दो एडजेसेंट फेजेस के जो अंक है इनका जो सम है ये 7 आ रहा है, 3 और 4 7 आ रहा है। तो ये जो डाइस है ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, यहाँ पर जो विपरीत फेजेस होती है उनके अंकों का जो सम है वो 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सभी क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको यहाँ पर 1 विजिबल नहीं है, 2 नहीं है और 6। तो ये तीनों 5 के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक, तो 1 2 एंड 6 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए है। इसके बाद 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि 2 के ऊपर सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक मिलेंगे, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर ये क्या बोला गया है कि 2 जो है वो ऊपर की सतह पर हो तो उसके एडजेसेंट में कौन से अंक आपको मिलेंगे, ये आपको ये पहचान करना है। तो देखो ये जो डाइस है एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि इनमें जो विजिबल फेजेस है इनके जो अंकों का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी, एक स्टैंडर्ड डाइस होगी। तो स्टैंडर्ड डाइस में मैंने अभी आपको कंडीशन बताया था कि जो अपोजिट फेजेस होंगी इनके अंकों का जो सम होता है वो 7 होता है। तो 6 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? देखो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, तो 1 यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा। 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। तो 2 के एडजेसेंट में हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 2 के एडजेसेंट में देखो यहाँ पर अभी 6 और 4 तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 और 4 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 6 के अपोजिट जो होगा वो भी 2 के एडजेसेंट में होगा, मतलब 6 के अपोजिट क्या है, 1 है। और 4 के अपोजिट जो होगा वो भी 2 के एडजेसेंट मतलब पड़ोस में होगा, तो 3। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 6 4 3 1, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। देखो 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। तो देखो ये जो डाइस है एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन में 3 के अपोजिट वे सभी हो सकते हैं जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको, 1, ठीक है, और क्या, 5 और 6। तो ये तीनों जो है यहाँ पर 3 के अपोजिट हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 है, 5 नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं करेगा। तीनों हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा आपको ये बताना है। तो ये जो डाइस है एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 इन दोनों का सम कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो हमको 5 के अपोजिट बताना है, तो 5 के अपोजिट वे सभी डिजिट हो सकते हैं जो कि यहाँ पर इनविजिबल है, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 के अपोजिट देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तीनों जो है 5 के अपोजिट हो सकते हैं, मतलब 6, 4, 3 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना है। तो 3 के अपोजिट आपको बताना है, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर देखो ये जो डाइस है, सबसे पहले आपको ये पहचान करना है कि स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो ये जो डाइस है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनमें जो भी फेजेस दिखाई दे रही है उनमें किन्हीं भी दो फेजेस के अंकों का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5+1 6 हो जाएगा, 5+3 8 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 5+6 11 और यहाँ पर 6+4 10 और 4+5 9। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट में यहाँ पर क्या जाएगा, 4, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज होती है उनमें अपोजिट जो फेजेस होते हैं इनके अंकों का जो सम है वो 7 होता है। तो 3 यदि एक साइड है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, 4 होगा, तभी तो 7 आएगा इनका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि 6 के एडजेसेंट में, मतलब पड़ोस में कौन कौन से अंक आ गए हैं। तो जो 6 के एडजेसेंट में होंगे मतलब उसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो 6 के एडजेसेंट में आप यहाँ पर चेक करिए, तो यहाँ 2 है, 3 है, तो इसको नोट कर लीजिए, 2, 3। सेकंड में चलिए, यहाँ पर 4 आपको एक नया मिलेगा, और थर्ड में चलिए तो 5। तो 6 के एडजेसेंट में आपको मिल जाएगा 2, 3, 4, 5। क्या नहीं मिल रहा है आपको, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1। क्योंकि देखो जो एडजेसेंट में होते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। देखिए 3 के एडजेसेंट में आप पता कर लीजिए पहले कौन कौन से आपको डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 के एडजेसेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है, सेकंड में चलिए, सेकंड में 3 नहीं है तो उसको छोड़िए, अगले में चलिए, तो अगले में आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 है, 1 है, एक मिनट, देखो 3 के एडजेसेंट में हमको यहाँ पर बताना था, तो 3 के एडजेसेंट में आपको यहाँ पर 1, 6, यहाँ पर चलिए 5, आगे चलिए 6, 6 हो गया 2, तो 1, 2, 6, 5 आपको यहाँ पर 3 के एडजेसेंट में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4, तो जो 4 होगा वो 3 के अपोजिट में होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 3, आप यहाँ पर एक काम करिए, जो 3 के एडजेसेंट में जो भी डिजिट है उनको नोट कर लीजिए। तो 3 के एडजेसेंट में देखो यहाँ पर कौन कौन से है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 5 है, आगे चलिए, और 4 है। तो 1, 2, 5 और 4, ये जो 4 डिजिट है ये 3 के एडजेसेंट में है, मतलब इनके अपोजिट ये नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं प्राप्त हुआ है, 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।